नमस्कार, इंडिया हेड हिंदी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स जुड़ रहे हैं। इनका नाम योगेश मिश्रा है और ये पेशे से एक आईएएस अधिकारी हैं। योगेश जी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और ख़ास बात यह है कि मैं आपको इनसे इनकी किस्से को इसलिए आप सबके सामने लेके आया हूँ क्योंकि इनके परिवार में बड़ी ही अनोखी चीज़ होती है। अमूमन पूरे मतलब अगर किसी के घर में कोई अगर अधिकारी बनता है तो क्या होता है कि भाई एक अधिकारी हुआ, पूरे पूरे जो जो परिवार होता है या कहा जाए और जो मित्र यार होते हैं, जो आपके जो रिश्तेदार होते हैं, उनमें कोई एक आधा जो है आईएएस होता है और फिर वो सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकता है, लोगों को जो है एक तरीके से उन्हें इंस्पायर करता है। लेकिन इनका इंस्पिरेशन ऐसा था कि इनके परिवार में मतलब इनके घर में इनको छोड़ के इनकी दो बहनें और एक भाई, वो भी यूपीएससी जो है उन्होंने भी क्वालिफाई किया, जिसमें दो बहनें जो हैं उनमें एक आईएएस और एक आईपीएस है और जबकि जो जो इनका छोटा भाई है वो एक आईएएस अधिकारी है। योगेश जी से चलिए बात करते हैं सीधे कि ये बताइए योगेश जी, ये तो एक चमत्कारी है मतलब कि एक परिवार में इतने सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी, मतलब ऐसा देखना तो बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा क्या आप लोगों को बचपन में जो है शंख पुष्पी दी गई कि इतना आप लोग तेज दिमाग रखते हैं कि सब आईएएस हो गया, सब आईपीएस हो गया? नमस्कार, ये आधुनिक समय में देखें तो वाकई एक चमत्कार की तरह ही है। और जो आप महामंत्र की बात कर रहे हैं या जो बीज मंत्र जो हम लोगों को मिला है, वो हमारे माता पिता के संस्कार हैं। संस्कारों में महत्वपूर्ण है अनुशासन और मेहनत। आप अपना काम अनुशासन से करिए और पूरी अपनी मेहनत, पूरा अपना प्राण झोंक कर करिए जो काम आपको मिला है, इससे सफलता आपकी लगभग सुनिश्चित होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने जो जो भी क्षेत्र अपनाए, जहाँ जहाँ पे भी कदम रखे, उनमें सफलता हम लोगों को प्राप्त हुई। मुझे ये बताइए, मतलब मैं देख रहा हूँ अभी हल्का सा बारिश हो रही थी, शायद अभी बारिश रुक गई है, ये थोड़ा बाहर चलते हैं और यहाँ पे आपको मौसम दिखाते हैं। इस समय लखनऊ में बहुत शानदार मौसम जो है दिखाई दे रहा है, आप देखिए हवा में हवाई जहाज भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एयरपोर्ट के, क्योंकि हम लोग पास में हैं और योगेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, मुझे क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपसे बहुत ही विस्तार से बात करूं, क्योंकि जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हमारे चैनल को देखते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं और वो हम लोगों को देखते हैं, हम लोग के चैनल्स को देखते हैं, वो जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या तैयारी होती है, ऐसी क्या आपने ऐसे कौन से अनुशासन को आपने फॉलो किया कि आप जो है आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। कहा जाए अर्श फर्श से लेके अब आप लोग अर्श तक आ गए हैं, दो कमरों के मकान से आपने शुरू किया था, अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। ये शुरुआती जीवन हम लोगों का प्रतापगढ़ जिले के एक लालगंज झारा, एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे शुरुआती जीवन रहा। वहीं पर हम लोगों ने, चारों लोगों ने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। बहुत छोटे से घर में रहते थे हम चारों लोग सामंजस्य के साथ अपने माता पिता के साथ। माता पिता क्या करते हैं आपके? हमारे पिताजी ग्रामीण बैंक में मैनेजर थे, अब वो वहाँ से सेवानिवृत्त हो गए हैं और माता जी हमारी सामान्य गृहिणियों की तरह एक हाउसवाइफ थी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि उनकी तरफ से कभी आपसे बोला कि आगे पिताजी माता जी की तरफ से कि नहीं भाई आईएएस अधिकारी बनना है, कभी बोला गया आपसे, कोई दबाव था? देखिए, हम लोग जैसा हम लोगों का समाज है पूर्वांचल की तरफ का, वहाँ पे पिता और पुत्र में संवाद जो है सीधा संवाद बहुत ही कम ही होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसा कभी कभी किसी तीसरे व्यक्ति या चौथे व्यक्ति के माध्यम से ऐसा सुनने में आता था कि यदि हम लोग आईएएस की तैयारी करें और आईएएस बने तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रत्यक्ष तौर पर हम लोगों के ऊपर कोई भी कैरियर चुनने का दबाव नहीं बनाया। लेकिन अच्छा मुझे ये बताइए, मैंने सुना है आपके बारे में, थोड़ा पढ़ा भी है क्योंकि अब तो आप बहुत ही मशहूर हो गए हैं, आइए चलते हैं, चलते चलते बात करते हैं, तो मैंने आपके बारे में सुना है कि भाई आप जो है आईआईटी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आईआईटी में आपको सफलता नहीं मिली, ऐसी बात सही है? नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं है। हमने खुद मोतीलाल नेहरू जो इलाहाबाद में कॉलेज है, हाँ, वहाँ से हमने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, नहीं आईआईटी के लिए तैयारी किसने किया था, आपने किया था कि आपके आपके भाइयों ने किया? हमारे छोटे भाई आईआईटी की तैयारी की और वो आईआईटी दिल्ली से बीटेक हैं। अच्छा, तो मतलब ये गलत है खबर जो कि मैं आज उसमें चैनल में देख रहा हूँ कुछ जगहों पे लगे कि आपने आईआईटी की तैयारी की, शायद आप आईआईटी में सफल नहीं हुए थे। नहीं, हम पूर्णतया सफल हुए और हम कंप्यूटर साइंस के बीटेक भी हैं, और न सिर्फ बीटेक हैं बल्कि हमने 3 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर नोएडा में नौकरी भी की है। तो फिर उसके बाद 3 साल नौकरी करने के बाद फिर आप एकदम से आपने सोचा कि अब जो है तैयारी की जाए यूपीएससी की? एकदम से नहीं सोचा, कई सारी ऐसी परिस्थितियां बनी, खासतौर पर हमारी दोनों बहनें जो थीं वो 2-3 साल से तैयारी कर रही थीं और उनको सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, वो एक प्रमुख कारण था, बाकी और भी तमाम ऐसे कारण बने कि हमने अपनी नौकरी। आपके परिवार में सबसे पहले आईएएस कौन बना? सबसे पहले सफलता सिविल सेवा परीक्षा में मुझे प्राप्त हुई। तो कितने अटेम्प्ट में आपको ये पहले में
पहले अटेम्प्ट में आपको जी, तो क्या था ये, क्या विषय था आपका महत्वपूर्ण जिस विषय से आपने इस परीक्षा में दाखिला लिया? अगर आप वैकल्पिक विषय मतलब ऑप्शनल की बात करें तो मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट इसमें लिया था। क्यों, ऐसा क्यों, सोशियोलॉजी में ऐसा क्या खास? देखिए हम लोग, मेरा बीटेक जो है मतलब ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वो कंप्यूटर साइंस था, और कंप्यूटर साइंस जो है वो यूपीएससी ऑफर नहीं करता है अपने वैकल्पिक विषयों की सूची में। अच्छा। तो निश्चित रूप से हमको एक नया विषय का चयन करना था, तो नए विषय के चयन में हमने सारे जितने करीब 40-45 सब्जेक्ट हैं सबको देखा, उनमें फाइनली जाके सोशियोलॉजी हमको ऐसा लगा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ के समझ के और इस प्रकार का स्तर हासिल कर सकते हैं कि हम ऐसा लिखें कि दूसरे आदमी को हम समझा सकें, इसलिए हमने सोशियोलॉजी लिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फिर जब आप प्रशासनिक सेवा में आए उसके बाद मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर ही आपकी शायद बहन का भी हो गया था। हाँ, जब 2014 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 2015 में मेरी छोटी बहन जो थी वो आईएएस में चयनित हुई। हाँ। उसके पहले वो इकोनॉमिक सर्विस में भी चयनित हुई, फिर आईएएस में चयनित हो गई। अच्छा। उसके बाद सन 2016 में मेरी बड़ी बहन और छोटे भाई, इन दोनों लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो अभी ये लोग कहाँ पे कहाँ कहाँ पे कार्य करते हैं? जो मेरी बहन जो 2015 में आईएएस हुई थी वो झारखंड में रामगढ़ जिला है, वहाँ की डीएम है, डीसी वहाँ पे बोलते हैं। बड़ी बहन जो आईपीएस हैं वो कर्नाटक में पोस्टेड है, बेंगलोर में इस समय है, और छोटा भाई झारखंड के कोडरमा जिले में डीडीसी जिसको अपने यहाँ यूपी में सीडीओ बोलते हैं उस पद पे कार्यरत। अच्छा, तो आप आना जाना लगा रहता है कि अब की सब इतना व्यस्त होंगे कि मुलाकात अब कम होती होगी? नहीं, शुरुआती समय में तो आना जाना लगा रहता था, लेकिन जब से मतलब हम सीनियोरिटी के उस क्रम में पहुंच गए हैं, जब डीएम और एसपी हो गए हैं, तब आने जाने में थोड़ा सा कम हो गया है। कम हो गया है। तो मुझे ये बताइए सर कि जब एक बच्चा तैयारी करता है यूपीएससी की, खास तौर पे बोला जाता है कि देश का सबसे अगर कोई कठिन कोई परीक्षा है तो वो यूपीएससी परीक्षा है, फिर मैं उसी चीज़ पे आऊँगा क्योंकि ये मैं आपसे बार बार तब तक मुझे एक संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिल जाएगा कि ऐसा क्या था कि आप चारों के जहन में कैसी प्लानिंग करते थे आप लोग कि जिसकी वजह से इस मुकाम तक आप लोग पहुँच पाए। कुछ तो टिप्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को जो इतने सारे एस्पिरेंट्स जो हैं जो कि इस शो को देखेंगे, जो आपको सुनेंगे, उनको क्या कुछ पता तो चलना चाहिए कि क्या तैयारी की जाए, कैसे तैयारी की जाए। एक टिप तो आप यही समझ लीजिए कि किसी भी सोर्स के हमको बहुत सारे मटेरियल नहीं पढ़ने चाहिए। एक आपको मटेरियल चाहे ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में, मतलब सॉफ्ट कॉपी में हार्ड कॉपी में, एक आप ले लीजिए और उसी को बार बार पढ़िए। कई मटेरियल को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक ही मटेरियल को कई बार पढ़ना। ऐसी कई सारी टिप्स हैं, लेकिन अगर हम उन पर बात करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। अगर आप चाहें तो एक आध दो हम और बता सकते हैं सोच के। अच्छा। लेकिन अगर इस तरह से बात करेंगे टिप्स की तो वो टिप्स तो बहुत सारी हैं, तो एक हमको याद आ गया वो हमने बता दिया। तो ये बताइए कि अब तो आप क्योंकि प्रतापगढ़ में आपके परिवार का तो अब बड़ा नाम है क्योंकि भाई सभी अधिकारी हो गए आपके परिवार में, तो वहाँ से आसपास के गांव के लोग या कुछ लोग ऐसे नहीं है कि जो आते हों आपके आपके घर आते हों कहते हों भैया दद्दा जरा हमको भी थोड़ा सिखाइए कुछ, जगह बताइए कैसे तैयारी करें, हम भी अपने परिवार का नाम रोशन करें? देखिए हम लोग जहाँ से हैं वहाँ पे इस सफलता का तो अभूतपूर्व माहौल है, अभूतपूर्व दृश्य रहता है जब हम लोग सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और निश्चित रूप से सभी लोग हमारे यहाँ चयनित होना चाहते हैं। इस परीक्षा का बहुत प्रेस्टीज है हमारे यहाँ, तो जब भी हम लोग जाते हैं तमाम लोग आते हैं, तमाम लोग लखनऊ में भी हमसे मिलने आते हैं, फ़ोन करते हैं इसके लिए। तो अब धीरे धीरे हम लोग ये प्रयास गाइडेंस देते रहते हैं। नहीं, अब अभी तक तो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब हमने एक प्रयास शुरू किया है। हाँ। कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज वे में हम लोगों को कनेक्ट करके और उनको एक सही दिशा अपनी तरफ से बता सकें। राइट, तो वही मैं उस पर भी आना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ जैसे दिव्य कीर्ति जी हैं, एक खान सर हैं, ये इनके बड़े आप देखिए यूट्यूब पे बड़ा बहुत सारा इन लोगों का मटेरियल आता रहता है। एक अवधेश जी भी हैं, वो भी अपना जो है तैयारी करवाते हैं यूपीएससी की। तो क्या आपको लगता है कि ये एक नया ट्रेंड आ गया ऑनलाइन ट्रेंड कोविड के बाद, जो ऑनलाइन जो पढ़ाई चालू हुई है, क्या इससे बच्चों को आसानी हुई है कि इससे और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई? तरीका कौन सा अपनाना चाहिए, ऑफलाइन तरीका कि ऑनलाइन तरीका? देखिए यूपीएससी वाले क्षेत्र में ऑनलाइन का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम वे लोग देते हैं जो ग्रेजुएट हो गए हैं। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आपके अंदर आ गई, आप वो कैंडिडेट हैं जिसको यदि ऑनलाइन में या किसी भी तरीके से मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप अपने आप से स्व अनुशासित होकर पढ़ाई कर सकेंगे। इसीलिए यूपीएससी के क्षेत्र में ऑनलाइन का महत्व बढ़ा है और क्रेज़ भी बढ़ा है। नहीं तो ऑनलाइन से पढ़ाई क्या सही होती है? क्योंकि मिथ होता है कि नेटवर्क सही नहीं होता है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी सही सिग्नल नहीं आते हैं, तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई सही हो जाती है? नहीं, ऑनलाइन से आप सेलेक्ट होने के स्तर पर पहुँच पाएंगे ऐसा मेरा तो कम से कम मानना नहीं है,
क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपका मेच्योरिटी लेवल और मेंटल लेवल बहुत ऊपर जाना चाहिए। ऑनलाइन से आप बेसिक स्तर की आपकी पढ़ाई हो जाती है, लेकिन आपको कुछ और भी करना पड़ता है ऑनलाइन से, सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे। ऑनलाइन से खाली भला नहीं होने वाला है, ऑफलाइन पढ़ाई भी जरूरी है। एक गुरु जो है उसको बकायदा आपको जाके और उसके सानिध्य में अपनी आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। जी जी, क्योंकि देखिए हमारा ऐसा देश है जहाँ पे वाद विवाद संवाद इसकी परंपरा रही, और जो ज्ञान का विकास होता है वो इसी के माध्यम से होता है। जब दो लोगों के विचारों का आपस में सिंथेसिस होता है, उसी से नई विचारधारा बनती है और विचारों का विकास होता है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो हिंदी मीडियम के जो छात्र छात्राएँ हैं और जो इंग्लिश मीडियम के जो छात्र छात्राएँ, तो ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा वरीयता मिल जाती है, उनको ज़्यादा उनके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। ये कोई मिथ है कि या ये सच्चाई है? देखिए ये तो पूरी तरह मिथ है, क्योंकि यूपीएससी तो किसी को कोई वरीयता नहीं देता। आपकी कोई भाषा हो, कोई क्षेत्र हो, आप महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इस तरह का कोई भेदभाव यूपीएससी के स्तर पर नहीं है। हालांकि परिणामों को देखकर आप जब विश्लेषण करते हैं तो ऐसा ज़रूर देखते हैं कि हिंदी माध्यम के छात्रों का चयन कम हो रहा है। उसका एक बड़ा कारण है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया है, और अंग्रेजी माध्यम के लोग कॉन्फिडेंस के दम पर वो निकल जाते हैं, हिंदी मीडियम के लोग कॉन्फिडेंस की वजह से पीछे। कॉन्फिडेंस में कहाँ पे, मतलब ये मेंस प्रीलिम्स मेंस में ये अटकते हैं कि इंटरव्यू में जाके अटकते हैं? प्रीलिम्स में अटकते हैं, प्रीलिम्स में। अच्छा, तो प्रीलिम्स में ही जो है कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। यूपीएससी के रिपोर्ट के आधार पर, यूपीएससी एक वार्षिक रिपोर्ट अपने राष्ट्रपति जी को सबमिट करता है, उसमें भी आप देखेंगे, रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र रहता है कि मेंस देने वालों जितने भी छात्र रहते हैं उनमें परसेंटेज वाइज हिंदी माध्यम के ज़्यादा लोग सेलेक्ट होते हैं, इंग्लिश के कम सेलेक्ट होते हैं। लेकिन इनको इनका जो सबसे बड़ा हर्डल है, सबसे बड़ी बाधा है, वो प्रीलिम्स साबित होता है हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे और लेते चलेंगे, बस उसके बाद आपको छोड़ेंगे। मुझे ये बताइए कि जैसे कि अभी आप जिस पद पे हैं, यहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, एक विजन, एक सोच होगा आपका कि भाई मैंने ये मुकाम हासिल किया है, अब मैं सोसाइटी को ये वापस करूँगा, मैं इस देश को, इस प्रदेश को कुछ वापस करेंगे, कुछ एक अच्छी चीज़ जो है वो देने की सोचे होंगे, तो क्या आपके जहन में है कि मतलब आपसे 10 साल बाद, 15 साल के बाद आप ऐसा कुछ करें सोसाइटी के लिए जिससे उनका फ़ायदा हो, ऐसा कुछ सोचा आपने? हाँ बिल्कुल सोचा है, और ख़ास तौर पे जैसे जिस परिवेश से निकलकर हम लोग यहाँ तक आए हैं, उस परिवेश में अभी भी जागरूकता का, अज्ञानता मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ज्ञान का भंडार सब जगह है और स्कूल्स और कॉलेजेस सब जगह हैं, जागरूकता का जो अभाव है उसको दूर करने के लिए हम लोग लगातार काम करने का अब हमने ठाना है, और अब से लेकर आगे 10-15 सालों तक हम लोग वो कार्य करते रहेंगे। ठीक है, तो आपने सुना, यहाँ पे हमारे साथ योगेश मिश्रा जी हैं और काफ़ी सफल आईएएस रहे, इनके परिवार में भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की एक तरीके से कहा जाए लाइन लगी हुई है, इनके भाई, छोटे भाई और बहनें जो हैं वो सब आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, और किस तरीके से ये आगे काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये आगे सोच रहे हैं कि कैसे जो ज़मीनी स्तर पे जो छात्र छात्राएं हैं जिनके पास साधनों की कमी है वो किस तरीके से आगे मेहनत करें, एक जीता जाता उदाहरण जो है आपके सामने, और शायद इसी की आगे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उन लोगों को भी उस समकक्ष लाया जा सके कि वो भी यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास कर सकें। अपने सहयोगी रोहित के साथ वरुण गुप्ता, इंडिया हेड, लखनऊ।